यहाँ पे बोट की शेप में बैठने के लिए एक जगह बनाई हुई है लाइक दिस बेंच टाइप, और ये पूरी ओखला बर्ड सेंचुरी काफी दूर तक जहाँ तक नजरें जाए वहां तक पानी पानी। यहाँ पे हमारे कुछ खास दोस्तों की फोटोज लगी है, देखिए। देख वो देख, I alone absorb 22 kg of CO2 in a year. All I ask return is that you let me live, okay bro? मेरी और मनीषा की यहाँ के एक फोटो है। हमारे साथ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बंदा आ गया था, वो बस यही चीज़ देखता रहता था, कोई बर्ड दिख जाए, कोई सांप दिख जाए। मेरे को दूर से ये लकड़ी है ना, तब से यही लग रही थी कि कोई बछड़ा सा हिरन है ये। अधिक स्पोर्ट्स स्पॉट ऐसी चेयर है बैठने के लिए। अबे फोटो, व्हाट ए व्यू। लुक एट दैट, इस पेड़ का नाम जंगल जलेबी, क्योंकि ये देखो जलेबी की तरह घूमी फिरा हुआ पेड़ है ये। हम जिस टाइम पे आए थे ना, उस टाइम पे इतनी मेनस्ट्रीम जगह नहीं थी, मतलब इतने लोग भी नहीं आते थे तब। लाफिंग डव, हमने जो रिजर्वोयर देखा था ना, उधर ही था, वॉच टावर उधर था। एक वो साइड होगी और देख उधर साइड होगी, उधर की साइड वॉच टावर है, वॉच टावर से व्यू और अच्छा। हम वॉच टावर वाली साइड जाके गिटार लेके बैठ जाते थे, मैं साइकिल। मजे आते हो यार, देखो कितना मस्त व्यू है जाती है गलतियाँ। कपल्स को पूरा राइट है यार, कभी भी जाकर अपने प्यार को सेलिब्रेट करना, बिल्कुल बस खुले में। दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर द कपल एंड द फैमिली, या फॉर अ क्विक पिकनिक परपस। यू आर राइट। है शीकरा। What is this? चिपक। चिपक। अबे मत चिपक भाई। पढ़ने भी आते हैं यहाँ पे, देखा ना तुमने? पढ़ रहे थे वो। मैं कह रहा हूँ ना, रिसर्चर्स भी आते हैं यहाँ पे। चलो। वाह। But a nice. अच्छा होता है, रोप से बांध के अंदर देते, और वॉच टावर इससे ही जाते। निकलने का है रास्ता। ओ वाओ, इंटरेस्टिंग। आई विल बना रखा है ताकि सांप
आपको दिक्कत ना हो हमें पकड़ने में। अंजीर, दिस पेड़ इज ऑफ अंजीर। और यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ ये अंजलि के फेवरेट प्लेस होनी चाहिए। ये मुझे कुछ सुन रहा है, यहाँ पे आवाज बड़ी प्यारी आती है। पता है क्या चीज, ये किस चीज की है? इलेक्ट्रिसिटी की। वो देख, ये इलेक्ट्रिसिटी की आवाज है। इधर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर चाहती है वो अपना उठी। आई, ये इलेक्ट्रिसिटी की आवाज है, ये एसी करंट है। छोटा बसंता। अरे बसंता, बसंती। हाउ कैन आई मिस यू ब्रो। अच्छा वही रोड आते हैं ना, कितना करंट जा रहा होगा वो दे, इस साइड से हम एडवेंचर लेकर आए हैं। ये सोच कितना करंट जा रहा होगा इसमें से, कितनी आवाज जो आ रही है। पर ये जैक कहाँ रही है? है भैया बड़ा बसंता, बसंता। यार इतने लोग कैसे आने लगे यहाँ पे? ठीक, नेचर को खराब करने और क्या। ठीक है कोई नहीं, सबका अपना राइट है, अगर पता चल लिया लोगों को। सर सकता है यहाँ पे सफेद मंकी डुगू। यूज नो पॉलीथीन इनसाइड द बर्ड सेंचुरी मदरफकर। है ना, तो शाम अपना वो हो गया। क्या कहते हैं अभी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। हम सोचते थे कि इधर भी पानी बहता है, साला बाद में पता चला हमारा चूहा कट गया क्योंकि ऊपर से तार निकलता है और उसमें से बिजली आई है। बबुलवा का पेड़ देखोगे, पैदर है भाई बबूल। दिल में मेरे खाब तेरे, बिहार में आग ना लगाए समझे। ठीक है, आग ना लगाए, ठीक है ना। हम करीब 10-15 मिनट से चल रहे हैं और हमें ही एक मेन स्पॉट पे पहुंचना है। ये भैया हमको लेके जाएंगे मेन स्पॉट पे, आएगा ये। कृपया शोर ना करें, बर्डिंग पॉइंट एंड कृपया आग ना जाए। भाग जाते हैं भूताई, समझ गया। ये प्रॉब्लम हो जाती है। शुरू में हम वहां पे थे बिल्कुल उसके सामने। डिलोनिक्स रीजिया, गुलमोहर का पेड़, गुलमोहर। पीछे किसका था? छोटा बुज्जा। सोच रहा है इस पूरी रोड पे मैं अकेला लड़का था। ब्लैक ब्रिस्टेड वीवरलैंड। अच्छे वाले डिंट नहीं है तो देख, ठीक है। अच्छा क्या इजी टू रीच हो गया क्या ये बहुत ज्यादा? हाँ ये बहुत ठीक है। तो हाँ मैं यही समझा, सब कुछ क्या है मेरे पास। मैं हाँ मैं ये आया, क्या कहते हैं, एक बता
गिव अप कर गए, ठीक है, कुछ लोग गिव अप करके वापिस जा रहे हैं। कह रहा था ना गिव अप कर गए। ये मत समझना बर्ड सेंचुरी आए हो, चलते रहोगे, स्पोर्ट पे पहुंचना इतना आसान थोड़ी है। इनसे पूछो भैया किराया कितना है। वन्य प्राणी धरोहर है, इनकी रक्षा करें। ऊपर देख भाई साहब कितना मस्त लग रहा है। वन मोर प्लेन। अबे साले मेरे लिए रुका भी नहीं। उसके बाद फिर तो उधर निकलेगा, फिर मुझे जाकर ये भैया पीछे की तरफ वो फार्मिंग भी होती थी ना उधर की साइड, ये आगे से ही जैसे जाते हैं ना बहुत टावर है वहाँ पहले फार्मिंग भी होती थी ना, जैसे गन्ने की खेती भी होती थी उधर। नहीं वो गन्ने की खेती नहीं है, वो पटेरा है। अच्छा पटेरा है, छप्पर बनता है। अच्छा हाँ मतलब अभी से मान लो 2-3 साल पहले जब हम आए थे ना, मैं समझ गया भैया तुम्हारी बात, उस टाइम तो गन्ने थे। गन्ने नहीं तो वो यही था। अच्छा यही था। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, मेरे को भी 3 साल हो जा रहे हैं अभी तो, मतलब ठीक है अभी तो काफी लोग आने लगे हैं, उस टाइम पे तो जैसे बस हम ही आते थे। सर्दियों में ना यहाँ पे पक्षी आते हैं, पानी जब तक बिक रहे हैं काले काले हैं, तो सब सब लाइट की वजह से आओ तो सुबह से आओ यहाँ से। हाँ हम सुबह ही आते थे ना वैसे, और कभी पावर आवर जब भी खुले हुए मिल जाएंगे आपको, जब पब्लिक चलती है तो हम भी कर देते हैं। इन्हें पता नहीं कि किनारे पे जाके शोर नहीं करना होगा। अच्छा लोग की कोई चीज बात करते, अरे इनसे बोलो बैठ जा रहे। रिलेटिव देख रहा है आओ।